हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे डीसीबी बैंक का क्वार्टर वन का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुका, जो कि जुलाई 24 को यहाँ पे क्या निकल के आया हुआ है। सो डायरेक्टली पेज नंबर 4 पे जाएंगे, जो कि कंपनी का जो रिजल्ट है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे क्या है हमारा जो रिजल्ट क्या दिया हुआ है, जो कि नंबर्स इसके क्या क्रोर्स में दिए हुए हैं। सो डेटा को हम क्रोर्स में काउंट करेंगे। इफ अगर आप कंपनी के जो इंटरेस्ट अर्न है ना, जो कि हमारा रेवेन्यू है, वो अगर आप देखोगे, सिर्फ करंट क्वार्टर में कंपनी ने कितना जनरेट किया है, 1489 करोड़ का। वही पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 1444 करोड़ का, जो कि क्वार्टरली वाइज इफ अगर आप कंपनी के जो रेवेन्यू है ना देखोगे, तो लगभग क्या 45 करोड़ के आसपास क्या बढ़ता देखने को मिल रहा है। वही ईयरली बेसिस पे भी कंपेयर करोगे ना, सो ईयरली बेसिस पे लगभग हमको कितना 252 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू का जंप होता देखने को मिलेगा। क्योंकि 2023 का जो जून का क्वार्टर था, उसमें लगभग कंपनी ने कितना 1237 करोड़ के आसपास रेवेन्यू का जनरेट किया था। अभी यहाँ पे बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस की, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या यहाँ पे दिए हुए हैं। करंट क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस किया 1426 करोड़ का, वही पिछले क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस किया था 1347 करोड़ का, जो कि क्वार्टरली वाइज कंपनी का इफ अगर आप यहाँ पे एक्सपेंसेस देखोगे ना, तो 79 करोड़ के आसपास क्या बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। वही ईयरली वाइज इफ अगर आप देखोगे ना, ईयरली वाइज, सो ईयरली वाइज कंपनी का जो एक्सपेंस है लगभग क्या 290 करोड़ के आसपास क्या बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे कंपनी के अगर एक्सपेंसेस देखोगे ना, सो यहाँ पे 2023 के जून के क्वार्टर में कंपनी ने एक्सपेंस किया था 1136 करोड़ का, जो कि बढ़कर अभी हो गया 1426 करोड़ का। सो इसके कारण क्या 290 करोड़ के आसपास कंपनी का जो एक्सपेंस है ना, यहाँ पे क्या बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, कंपनी का नेट प्रॉफिट इफ अगर आप देखने जाओगे, सो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। करंट क्वार्टर में कंपनी ने 131.36 करोड़ का एक जो प्रॉफिट किया है, पिछले क्वार्टर में 155 करोड़ के आसपास प्रॉफिट कंपनी ने किया था। क्वार्टरली वाइज इफ अगर आप देखोगे ना, तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट लगभग 26 करोड़ के आसपास का गिरता देखने को मिलेगा। बट वही अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे कंपेयर करोगे, 2023 का जून का क्वार्टर पकड़ोगे ना अभी का, तो जून के क्वार्टर में 126 का प्रॉफिट था, अभी 131 का। सो लगभग हमको यहाँ पे क्या 5 करोड़ के आसपास लगभग इतना सा ही प्रॉफिट का बढ़ता देखने को मिल रहा है डीसीबी बैंक का। डीसीबी बैंक का शेयर इफ अगर आप देखोगे, थोड़ा बहुत रिस्की स्टॉक है, इफ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्डिंग करना, देन आप उसको होल्ड कर सकते हो। सो ये था कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। सो आई थिंक आपके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।